आज आप हमारे सामने देख रहे हैं क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन रॉयल इनफील्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल एक और नए लेटेस्ट कलर में। और आज हम इसका कंपेयर करेंगे बुलेट एक्स 350ES से। और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड दिखाता हूँ पूरा आगे पीछे से, और साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे इसकी ईच एंड एवरी डिटेल विद बुलेट एक्स 350ES के साथ। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी क्लासिक 350 आप ये BS6 देख रहे हैं क्रोम कलर और ब्लैक कलर में, इसका कंपैरिजन करेंगे हम नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 BS6 से। और ये जो कंपैरिजन रहेगा ये भी इनडेप्थ रहने वाला, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग। सो वो वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाइक करना, ना लाइक करना ये अलग की बात है। सो अब चलते हैं इसके चेंजेस की तरफ और बात करते हैं पहले चेंजेस की कि जो क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन है उसमें इलेक्ट्रा से क्या चेंज है। तो पहला चेंज है इसका डिस्क ब्रेक। आप डिस्क ब्रेक देखेंगे इसमें वाइब्री का है और ज़्यादा ग्रूव्स के साथ, यानी इसमें हीट कम होगी और ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वहीं पर हम XCX की बात करें तो उसमें ग्रूव्स कम है जो आप छेद देख रहे होंगे। और ये जो डिस्क ब्रेक है ये पता नहीं किस कंपनी का है, मे बी हो सकता है ये रॉयल इनफील्ड का ही हो। और अब चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ, वो है इसका क्रेडल फ्रेम। जो आप हॉर्न के इधर उधर रॉड्स देख रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में दो दे रखी हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम मिलेगा आपको। और वहीं पर अगर आप XCS देखते हैं उसमें एक आयरन रॉड दे रखी है जिसकी वजह से वाइब्रेशन थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और अब चलते हैं नेक और नेक्स्ट चेंजेस की तरफ, इसका साइलेंसर। तो जो हमारी BS6 पहले वाली XCS है उसमें क्या है, कैटेलिटिक कन्वर्टर बाहर दे रखा है, और वहीं पर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक है उसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर अंदर ही दे रखा है। अब नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, वो है इसका क्लच की पोजीशन, क्लच वायर की। पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा था XCS में, बट नेक्स्ट जनरेशन में इसे राइट हैंड साइड में स्वैप कर दिया गया है। और आप लोगो भी देख सकते हैं, इसका जो क्लासिक का लोगो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, वहीं पर XCX में सिंपल लिखा हुआ है रॉयल इनफील्ड, है ना। अब बढ़ते हैं इसके एक और चेंज की तरफ, वो है इसका सस्पेंशन। देखने में ये सस्पेंशन दोनों सेम लगते हैं, बट जो क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन है उसका सस्पेंशन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट है XCX के, और जो XCX है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और वहीं पर इसमें क्या है ना, नीचे से इसका सस्पेंशन निकाल दिया गया है हमारी क्लासिक में से। और कुशनिंग, एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, कुशनिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, मतलब एकदम सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा बेटर लगती है। वहीं पर हमारी XCX है उसकी कुशनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, एकदम तख्ती वाला फील आता है, मतलब कंफर्ट अच्छा नहीं लगता उसमें बैठ के जितना अच्छा आपको क्लासिक में लगेगा। और अब चलते हैं और चेंजेस की तरफ कि XCX से इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अभी हम बात करेंगे अब इसके हम इंजन की और उसके पावर फिगर्स की। जो हमारी इलेक्ट्रा है उसमें आता है 19 हॉर्स पावर और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वहीं हमारी जो क्लासिक है उसमें आ रहा है अब 20 हॉर्स पावर और लगभग 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और गियर्स जो हैं वो दोनों में 5-5 हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का फील करवाता हूँ कि किस में बेटर है किस में नहीं। आप हमारी क्लासिक 350 देख रहे होंगे उसमें जो फुट रेस्ट है और जो स्टैंड है वो कितना अच्छे से बेहतरीन तरीके से मेंटेन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और एकदम क्या बढ़िया फिनिशिंग लग रही है ना। और वहीं पर जब हम XCX की बात करते हैं तो आप खुद देख लीजिए। सो ये सब देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा फील हुआ होगा कि बिल्ड क्वालिटी में रॉयल इनफील्ड ने कितना ज़्यादा सुधार किया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रंट की हेडलाइट में, और ये है फ्रंट की हेडलाइट, आप देख सकते हैं इसमें क्रिस्टल क्लियर इन्होंने ग्लास लगा रखा है सामने, जिससे कि काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आपको पहले से बेटर मिलेगा और XCX से ही बेटर मिलेगा, क्योंकि इसमें अंधे वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है उसमें। ऐसा भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाहियात रिफ्लेक्शन है, मेरे पास खुद XCX है, वाहियात एकदम बिल्कुल ज़ीरो नंबर है भाई रिफ्लेक्शन के मामले में इसे। और अब बढ़ते हैं इसके साइड मिरर, हैंडल बार और स्पीडोमीटर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्लच लीवर और उसकी बिल्ड क्वालिटी। क्लासिक में देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा और लगेगा हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, वहीं पर XCX में देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं आएगा, सिंपल लगता है एकदम जैसे साइकिल वगैरह में आता है, बस थोड़ा सा थिक कर दिया गया है। अब चलते हैं इस नेक्स्ट जनरेशन के हैंडल बार की तरफ। तो भाई हैंडल बार के बटन्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे थे, मैंने खुद फील किया था वहाँ पर, टक्टाइल हैं काफ़ी ज़्यादा, अच्छे से क्लिक पता चल रहा था। और वहीं पर हमारी XCX में आपको एक मैं पास का एग्जांपल देता हूँ, जो पास वाली लाइट होती है ना जिससे हाई बीम करते हैं रात में, भाई वो पता ही नहीं चलता कब दबाते हैं कब नहीं, वो ऐसा लगता है वहीं पे घुसी हुई रहती है, कोई मज़ा नहीं आता उसे दबाने में। सो ऐसी है बस XCX हमारी, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, बट
पहले से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इन्होंने कर दी है, उसमें भी कर सकते थे बट उसमें इन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब हम लेके चलते हैं ऐसे स्पीडोमीटर की तरफ। आप स्पीडोमीटर हमारा देख रहे होंगे कितना ज़्यादा खूबसूरत है दोनों गाड़ियों में, आपकी चॉइस है आपको किस में अच्छा लगता है। बट थोड़ा सा एडवांस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में है, और वहीं पर थोड़ा सा पुराने ज़माने का जो है वो हमारी XCX में है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी टेल लाइट की तरफ, आप देख सकते हैं आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लगती है। ये पर्सनल चॉइस है ना कि आपको किसकी सिमेट्री ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी दोनों में जो है वो बल्ब आते हैं, और एक में क्रोम है एक्स क्लासिक में, और XCX में ब्लैक कलर है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी सीटिंग पोजीशन और सीट हाइट की तरफ। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि जो मेरी हाइट है वो 5 फुट 85 इंचेस, और आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैर जो हैं वो बहुत आसानी से पहुंच रहे हैं। और वहीं पर जो हमारी XCX है उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा थोड़े से ऊपर हैं, और सिटिंग पोजीशन में आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्लासिक है उसमें मैं थोड़ा आगे लीन हूँ उसकी टंकी की तरफ, और वहीं पर जो हमारी XCX है उसमें मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ हूँ, मतलब और ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में हूँ। तो जो पोजीशन का रिलैक्स है वो आपको वो XCX और स्टैंडर्ड में ज़्यादा बेटर मिलेगा। स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि उसकी पोजीशन सेम है, बट वहीं पर आप अगर सीट के कम्फर्ट की बात करें, मतलब सीट में कुशनिंग किस में ज़्यादा है, तो वो आपको क्लासिक में ज़्यादा बेटर मिलेगी। और सस्पेंशन के मामले में भी क्लासिक ज़्यादा बेटर मिलेगी क्योंकि उसके सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट साइड में है। सो आपको क्लासिक ओल्ड वाली से, मतलब BS6 जो पहले वाली थी, क्लासिक पुरानी वाली, अगर उसके कंपैरिजन में XCX का वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में लिंक दे दूँ, आप मेरे चैनल पे देख लो, आपको सब कुछ राइडिंग, हैंडलिंग, कॉर्निंग, माइलेज, सिटिंग पोजीशन, कंफर्टेबल, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। साइलेंसर, वाइलेंसर, टायर वायर सब कुछ मिल जाएगा। वो इसमें भी चेंजेस है, टायर इसमें ज़्यादा बेटर आते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन में, और उसमें थोड़े से पतले आते हैं। आपको ये तो खैर सभी को पता होगा, ये ज़्यादा वो चेंजेस वाली बात नहीं है, ये शुरुआत से ही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। सुबह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।